आज का जो हमारा लेसन है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि छुट्टी की बेल बज चुकी होगी. अब इसमें देखते हैं कि उसमें और इसमें फर्क क्या है. इन दिस काइंड ऑफ टेंस एन एक्ट इज स्टार्टेड फ्रॉम सम टाइम. इसके अंदर टाइम और मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो बताया जाता है, कोई टाइम मेंशन होता है. एंड इज कंटिन्यूस इन फ्यूचर टेंस, और इसमें वो फ्यूचर टेंस तक कंटिन्यू होता है. इससे पहले भी हमने जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस देखे उसमें हमने देखा कि एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हुआ था. ठीक है, अब इसका भी बिल्कुल उसी तरह. इट एक्सप्रेसेस एन अनफिनिश्ड और इनकम्प्लीट एक्शन इन द फ्यूचर. और ये एक्सप्रेस करता है अनफिनिश्ड और इनकम्प्लीट एक्शन इन फ्यूचर को. और इसकी पहचान क्या है, इस जमाने के जुमले में कोई काम जो मुस्तकबिल के जमाने में किसी वक्त से शुरू हुआ और जारी रहेगा. ठीक है, मतलब कोई ऐसा काम जो मुस्तकबिल के जमाने में किसी वक्त से, यानी कि इसमें टाइम कोई मेंशन होता है और अभी वो जारी रहेगा, ऐसा वक्त जो हमें मालूम हो उसके लिए इस्तेमाल होगा. जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, आज, कल, जनवरी, फरवरी, इतवार, पीर, 10 बजे, 3 बजे या सन 1991 वगैरह. यानी कि ऐसा वक्त जो हमें मालूम हो उसको हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम सिंस यूज करेंगे. या उससे हमें एक हिंट और होता है कि उधर से काम शुरू हुआ होता है उस वक्त से, यानी कि वो जो काम होता है वो शुरू हुआ होता है. और ऐसा वक्त जो हमें मालूम ना हो और उसे हम गिन सकते हो तो उसके लिए फोर का इस्तेमाल होगा. जैसे 3 घंटों से, 4 दिनों से, 10 सालों से, 1 सदी से, 1 हफ्ते से वगैरह. नोट, अगर किसी ऐसे वक्त के साथ पिछला लफ्ज आ जाए जिसे हम गिन सकते हैं तो ऐसे वक्त के साथ सेंस इस्तेमाल होगा. इन जुमलों में वर्ब की चौथी फॉर्म का इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव, बीन और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, विल हैव, बीन और शैल हैव बीन इस्तेमाल होता है और साथ उसके आईएनजी यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होता है. मनफी जुमला बनाने के लिए विल शैल के साथ नॉट आता है. ठीक है, और विल और शैल और फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल शैल के बाद नॉट आता है. सवालिया जुमला बनाने के लिए विल और शैल हमेशा उसी तरह शुरू में आ जाते हैं और मनफी सवालिया जुमले बनाने के लिए विल और शैल जुमले के शुरू में आते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है और आखिर में सवालिया निशान. नोट देख लेते हैं, जब पुख्ता इरादा हो तो आई वी के साथ विल हैव बीन लगता है और बाकी सब के साथ शैल हैव लगता है. जब बहुत पुख्ता इरादा हो कि वो जरूर करेगी तो आई और वी के साथ विल लगता है, अदरवाइज आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सब के साथ विल लगता है. फार्मूलाज यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फोर प्लस टाइम. नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फोर प्लस टाइम. इंटरोगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं, विल हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फोर प्लस टाइम. और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं, विल हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम, ये इसमें आता है. अच्छा जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहाँ पे वो 3 घंटों से पानी भर रहा होगा. ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था कि घंटी बज रही होगी, लेकिन अब यहाँ पे क्या उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि 3 घंटे ऐड हो गए, एडवर्ब ऑफ टाइम ऐड हो गया, तो अब इसमें सेंस ऑफ फॉर का इस्तेमाल होगा. वो 3 घंटों से, यानी कि 3 घंटे हम गिन सकते हैं, तो इट मींस कि क्या आएगा, फॉर आएगा. वो 3 घंटों से पानी भर रहा होगा. He will have been filling water for 3 hours. ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि वो पानी भर चुका होगा. ठीक है, चुका होगा होता तो he will have के साथ हमेशा have ही लगेगा, has नहीं आएगा. He will have filled water. बस यहाँ तक खत्म हो जाता है. अब ये है, 3 घंटे भी आ गए और रहा होगा भी ऐड हो गया.
पहले हम क्या आ, आ, देखा था हमने, वो चुका होगा, उसने कर लिया होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वो 3 घंटों से पानी भर रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे रहा होगा, इट मीन्स के आईएनजी, 3 घंटे एडवर्ब ऑफ टाइम, इसका मतलब है कि सेंस ऑफ वॉर, ठीक है। तो ये दो चीजें जो है यहां से हमें पता चलता है, रहा होगा, गा हमेशा विल को, ठीक है। जब घंटों की बात आ जाए तो फिर हैव मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम फॉर, ठीक है, और उसके साथ हैव बीन आ जाता है। तो जहां पे भी एडवर्ब ऑफ टाइम होता है वहां पे हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि विल लगा हुआ है इसलिए विल के साथ हैज का इस्तेमाल तो होता ही नहीं है। जहां पे भी विल और शैल आएंगे वहां पे हैव ही यूज होगा, और हैव के साथ जब बीन आता है तो आईएनजी भी आता है, फोर्थ फॉर्म आती है। और आईएनजी हैव बीन और फोर्थ फॉर्म कब आती है, जब एडवर्ब ऑफ टाइम गिवन होता है, जब टाइम मेंशन होता है, ठीक है, वो 3 घंटों से काम कर रहा हो, ठीक है। ई विल हैव बीन फिलिंग वाटर फॉर 3 आवर्स, क्या सुबह से बारिश हो रही होगी, विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश हो रही होगी, इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट विल हैव नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, विल इट हैव नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हम अप्रैल से लिसानुल कुरान सीख रहे होंगे। We shall have been learning Arabic language since April. ठीक है, लिसानुल कुरान, actually लिसान कहते हैं लैंग्वेज को, लिसानुल कुरान अरबिक लैंग्वेज, यानी कि हम जो है कुरान की जबान, कुरानिक लैंग्वेज या अरबिक लैंग्वेज जो है वो सीख रहे होंगे। हम अप्रैल से लिसानुल कुरान सीख रहे होंगे। We will have been learning Arabic language since April. नहीं कर रहे होंगे, we shall have been learning Arabic since April. We shall not have been learning Arabic since April. Shall we have been learning Arabic since April? उसके बाद जो है shall we have not been learning Arabic since April? उसके बाद है मैं अपना कमरा साफ कर रही हूँगी, I shall have been cleaning my room. फिर मैं अपना काम नहीं कर रही, मैं अपना कमरा साफ नहीं कर रही होगी, I shall not have been cleaning my room. क्या मैं अपना कमरा साफ कर रही होंगी, Shall I have been cleaning my room? क्या मैं अपना कमरा साफ नहीं कर रही होंगी, Shall I not have been cleaning my room? इसी तरह shall we not have been learning Arabic language? Shall it not have been raining since morning? Will he not have been filling water for 3 hours? यहाँ पे not जो है वो start में आ जाएगा, जो कि हमने पीछे formula में पढ़ा था कि हमेशा जो है जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं तो विल हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल के साथ नॉट आता है, लेकिन जब हम इसका जो है इंटरोगेटिव बनाते हैं तो विल हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब, और फिर विल हैव स्टार्ट में आ जाता है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन, यानी कि विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन, या हैव तो नहीं आएगा तो ये अनएडिटेबल है, इसको मैं सही कर लेती हूँ, ठीक है। तो शैल आई नॉट हैव बीन मतलब शैल स्टार्ट में आएगा, आई नॉट हैव बीन क्लीनिंग माय रूम, शैल आमना नॉट हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस लास्ट ईयर, यानी कि सिर्फ शैल स्टार्ट में आएगा, बाकी वैसे का वैसा ही रहता है, ठीक है। Will के साथ not आएगा, he will not having, तो जब इसका जब हम interrogative बनाएंगे तो will start में आएगा, not यहाँ का यही रहता है। तो will we not have been drawing a photograph, ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। अब इसके चारों कर लेते हैं, मैं अपना कमरा साफ नहीं कर रही हूँ, shall I not have been cleaning my room since morning, shall I not have been cleaning my room,
आमना जरूर पिछले साल से एक कहानी लिख रही होगी. आमना शैल हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस लास्ट ईयर. आमना शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस लास्ट ईयर. शैल आमना हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस लास्ट ईयर. शैल आमना नॉट हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस लास्ट ईयर. हम जरूर एक तस्वीर नहीं बना रहे होंगे. पहले हम तस्वीर एक तस्वीर बना जरूर आ गया तो वी के साथ हम विल आएगा. वी विल हैव बीन ड्राइंग अ फोटोग्राफ. वी विल नॉट हैव बीन ड्राइंग अ फोटोग्राफ. विल वी हैव बीन ड्राइंग अ फोटोग्राफ. और उसके बाद विल वी नॉट हैव बीन ड्राइंग अ फोटोग्राफ. ये चारों इसमें आ गया. अब यहाँ पे देखें, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंसेस को. वो 3 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा. He will have been playing cricket since 3 o'clock. ठीक है, वो 3 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा. He will have been playing cricket since 3 o'clock. वो 3 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा. He will not have been playing cricket since 3 o'clock. Will he have been playing cricket since 3 o'clock? और वो नहीं खेल रहा होगा तो will he not have been playing cricket since 3 o'clock? क्या वो 2 घंटों से नाच रहे होंगे? वो 2 घंटों से नाच रहे होंगे. They have been dancing for 2 hours. 2 घंटों से वो नाच रहे होंगे. वो 2 घंटों से they will have been dancing for 2 hours. 2 घंटों से, ठीक है, वो 2 घंटों से. और फिर क्या वो 2 घंटों से नाच रहे होंगे? will they have been dancing for 2 hours. वो 4 दिनों से कपड़े धो रही होगी. She will have been washing clothes for 4 days. ठीक है, 4 F O R 4, उसके बाद F O U R 4 days. वो 4 दिनों से कपड़े नहीं धो रही होगी. She will not have been washing clothes for 4 days. और उसके बाद will she have been washing clothes for 4 days? ठीक है, वो पीर से एक कहानी लिख रही होगी. हाँ जी, अब आप लोगों की बारी. Since yesterday. और क्या मेहमान कल से आ रहे होंगे? Will the guest have been coming since yesterday? बाय. मिस नूरम पिछले हफ्ते, हमें पिछले 2 हफ्तों से इंग्लिश पढ़ा रही होंगी. Miss Nooram will have been teaching us English for next 2 years. For two weeks. ठीक है, पिछले भी आ जाए, नेक्स्ट क्यों आएगा बेटा? पिछले 2 हफ्ते ना, for 2 weeks. क्या वो रात से बोल रहा होगा? Will he? वो रात से सच बोल रहा होगा इसको. He will have been speaking truth since evening. सही. अच्छा, क्या वो रात से सच बोल रहा होगा? Will he have been speaking truth since evening? Since evening, शाबाश. वो 10 बजे से खाना खा रही है. She will have been cooking food since 9 o'clock. हाँ, since 10 o'clock. शाबाश. क्या कल से बारिश हो रही होगी? कल से बारिश हो रही होगी.
It will have been raining since yesterday. It has been raining since yesterday. अच्छा जी यहाँ तक होमवर्क लिख मैम चुके होंगे हाँ हाँ वो खाना खा चुके होंगे और सलमा चाय बना चुकी होगी ये तो हो गए परफेक्ट के ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अब आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस राशिद 2 घंटे से पढ़ रहा होगा मुबीना 10 मिनट से चाय बना रही होगी मुबीना 10 मिनट से चाय बना रही होगी रात से बारिश हो रही होगी मैं 1960 से इसी स्कूल में पढ़ा रहा हूंगा हम आधे घंटे से हेडमास्टर का इंतजार कर रहे हैं मछेरा कई साल से मछलियां पकड़ रहा होगा मैम हम आधे घंटे से हेडमास्टर का इंतजार कर रहे होंगे नहीं मछेरा कई साल से मछलियां पकड़ रहा है मैं मछेरे को क्या कहते हैं इंग्लिश में फिशरमैन फिशरमैन डाकिया पिछले 1 साल से डाक टिकट कर रहा होगा एक साल से डाक तकसीम कर रहा है और अच्छा उसके बाद है उसके सर में कई दिन से दर्द हो रहा होगा और सुबह से बूंदाबांदी हो रही होगी वो 2 माह से दफ्तर नहीं जा रहा है और अजीज मई से स्कूल में नहीं पढ़ रहा होगा दोहरा कई दिन से नहीं जा रही है जोहरा स्कूल जोहरा कई दिन से लाहौर में नहीं रह रही होगी
ये बेटा आप लोगों का आज का लेसन है।